नमस्कार दोस्तों, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। पराठे हम सबको बहुत पसंद होते हैं, फिर वो चाहे आलू के हो, पनीर के हो या मिक्स वेज के हो। पर आज जो पराठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सत्तू का पराठा। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पराठे को बहुत ही पसंद से खाया जाता है। इसे हरी चटनी या बैंगन के चोखे के साथ सर्व किया जाता है। कई बार हमारे पास ये समस्या होती है कि घर में सत्तू नहीं रहता। जैसे मैं कनाडा में हूँ, यहाँ इजली सत्तू नहीं मिलता है, तो हम घर पर ही चने से सत्तू भी बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और मोयन देने के लिए 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसका नरम आटा रेडी करेंगे, जैसा पराठे के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा। ये देखिए, इस तरह से हमने मुलायम आटा लगा लिया। अब हम बाकी की तैयारी करेंगे और आटे को ढक के सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने 2 कप भुने हुए चने लिए हैं। आप चाहें तो इसके इस तरह से जो छिलके होते हैं वो निकाल सकते हैं, या बिना छिलके निकाले भी आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। हमें इसका बारीक पाउडर बनाना है, बिल्कुल एकदम बारीक हम इसे पीसेंगे जैसे आटा होता है। मैंने यहाँ पर छिलका नहीं निकाला था और चने को इस तरह बारीक पीस लिया। ये देखिए, बिल्कुल बारीक एकदम आटे की तरह हमने इसे पीस लिया है। अब स्टफिंग को चटपटा बनाते हैं। तो इसमें पहले हम मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। हमने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली, उसे छीलकर इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। याद रखिए, जो भी हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो अच्छे से चॉप होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया है। 3 से 4 मिर्च, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच मंगरेल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। ये डालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सरसों का तेल डालने से सत्तू के पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए अगर आप सरसों तेल यूज करते हैं तो बिल्कुल आप पराठे में सरसों तेल डालिए। पर अगर आपको सरसों तेल का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे कोई सा भी, जो भी अचार आप यूज करते हैं घर में वो अचार। आप चाहें तो अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, या लाल भरी मिर्च, उसका भी मसाला आप चटपटा बनाने के लिए डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे फ्रेश कटी हुई हरी धनिया। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाथ से इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सत्तू की स्टफिंग थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि स्टफिंग करने में भी इजी हो और हम जब खाएं तो भी हम आसानी से इसे खा पाएं। सत्तू की स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है और काफी मॉइस्ट भी बनी है। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड भी हो रही है। 20 मिनट हो चुके हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब सत्तू का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर हमने तवा रख दिया है मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए। हमें जितना बड़ा पराठा चाहिए उस हिसाब से हम आटे में से पेड़ा निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि आटा काफी ही मुलायम है, तो पराठे के लिए हमें ऐसा ही मुलायम आटा चाहिए। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का पेड़ा लिया है, इसे हम चिकना कर लेंगे। सूखा आटा ले लिया है हमने, इसमें इसे इस तरह रोल कर देंगे ताकि कटोरी बनाना इजी रहे। अब हम इस तरह से बीच में उंगली रखकर कटोरी जैसा बना लेंगे ताकि स्टफिंग भरने में आसानी रहे। तो ये देखिए, इस तरह हम दोनों अंगूठे से ये आटे की पेड़े को इस तरह बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से ये कटोरी जैसे रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। तो आप जितना स्टफिंग अच्छे से भर के पराठे को बेल सकते हैं, बिल्कुल उस क्वांटिटी में आप स्टफिंग भरिए।
इस तरह से हमने स्टफिंग भर ली। अब हम इसे अच्छे से बंद करेंगे। तो इस तरह बीच में लाकर बंद कर दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लीजिए। अब जब हमने आटा निकाल लिया तो ऊपर से भी अच्छे से सील कर देंगे और इसे रोल कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस पर थोड़ा सा इस तरह से सूखा आटा भी छिड़क लीजिए ताकि बेलने में आसानी रहे। अब हम अच्छे से इसे बेल लेंगे। तो पराठा आपको मोटा बेलना है या पतला, ये बिल्कुल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इस तरह से हमने इसे मीडियम साइज का बेल लिया। आप देख सकते हैं किनारों से ये मोटा है। हम पराठे को सेक लेते हैं। तो तवा गर्म है, इस पर हम इस तरह पराठे को डालेंगे। पहले एक साइड से सेकेंगे फिर हम इसे पलटेंगे। ऐसे देखिए सारे पराठे अच्छे से फूल भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सिक भी रहे हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप आसानी से सत्तू का पराठा बना सकते हैं। जब भी आप पराठे को बेलें बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाएं, हल्के हाथों से बेलें। जब आप पराठे को सेकें तो पहले एक तरफ से अच्छे से सिक जाने दें, फिर इसे पलटें, तेल अच्छे से लगाएं और स्पैचुला से पूरे किनारों को प्रेस कर करके आप पराठा सेकें ताकि पराठा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। सत्तू के ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। जब भी हम कोई पारंपरिक खाना बनाते हैं तो हम सबको अपने घर की याद आ ही जाती है। सत्तू के पराठे को देखकर भी आप सब अपने घर को जरूर मिस कर रहे होंगे। तो ये देखिए सत्तू का पराठा बनकर रेडी हो गया। हमने यहाँ पर बैंगन का चोखा, दही और हरी चटनी के साथ सत्तू के पराठे को सर्व किया है। आप अपने मनपसंद सब्जी के साथ इसके मजे ले सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you.